चलिए आज हम नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 27। व्हाट कैन बी डन, हम क्या कर सकते हैं। देयर इज अ लिटिल डाउट दैट द हेल्थ सिचुएशन ऑफ मोस्ट पीपल इन आवर कंट्री इज नॉट गुड। हम जानते हैं कि हमारे देश में लोगों की हेल्थ सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं रहती है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू ऑल इट्स सिटीजन। सबसे पहला किसका काम होता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ड्यूटी होती है कि वो लोगों को अच्छी हेल्थ सर्विसेज दे, एस्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज। किसको, जो बेचारे बहुत गरीब हैं और डिसएडवांटेज, मतलब वो बेचारे ट्रीटमेंट अपना अच्छे से करवा नहीं सकते उनको। हाउएवर हेल्थ इज मच डिपेंडेंट ऑन द बेसिस बेसिक एमिनिटीज एंड सोशल कंडीशन ऑफ द पीपल एज इट इज ऑन हेल्थ केयर सर्विसेज। मतलब मेन बात है लोगों का अच्छा एटमोसफियर भी मैटर करता है, फ्रेंडशिप फ्रेंडली नेचर भी मैटर करता है। हैंस इट इज इम्पॉर्टेंट टू वर्क ऑन बोथ इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द हेल्थ सिचुएशन ऑफ आवर पीपल एंड दिस कैन बी डन। लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। अब आपको कोई एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि जैसे कैसे हम अपनी सिचुएशन को, हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 28, द केरला एक्सपीरियंस। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट हैड मेड सम मेजर चेंजेस इन द स्टेट। बता रहा है कि 1996 की बात है जब केरला गवर्नमेंट ने अपने स्टेट में, केरला में बहुत सारे चेंजेस किए थे। 44% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट वॉज गिवन टू पंचायत। मतलब 44% जो बजट बनाया जाता है वो किसको दिया गया था, पंचायत को दिया गया था। दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर देयर रिक्वायरमेंट एंड दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द विलेज टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर प्लानिंग वॉज डन फॉर वाटर, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड एजुकेशन। मतलब उन्होंने 44% पंचायत को, मतलब पैसा दिया गया था जो बजट बनाया गया था उसका, जिससे कि बजट जो पंचायत है उसका प्रॉपर कहाँ यूज़ करना है उसके लिए वो प्लानिंग कर सके। दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द विलेज टू मेक श्योर दैट द प्रॉपर प्लानिंग, मतलब विलेज के लोगों को पैसा दिया गया था और सोचने को बोला गया था कि आपको उस पैसे को कहाँ पे कैसे लगाना है वो आप डिसाइड करिए। तो उन्होंने उस पैसे को वाटर में, फूड में, वुमेन्स डेवलपमेंट, एजुकेशन सेंटर में उन्होंने लगाया था। दिस मीन्स दैट वाटर सप्लाई स्कीम्स आर चेक, द वर्किंग ऑफ स्कूल एंड आंगनवाड़ीज आर इंश्योर्ड एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ऑफ द विलेज वर टेकन अप। मतलब ये देखा गया कि पानी लोगों के घर जा रहा है कि नहीं, स्कूल वगैरह जो आंगनवाड़ी छोटे बच्चों के लिए होती है वहाँ पे कुछ कमी तो नहीं है, वहाँ पे सब चीज़ सही है कि नहीं। हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव, मतलब हॉस्पिटल्स वगैरह में भी सुधार लाया गया था। ऑल ऑफ दिस हेल्प टू इम्प्रूव द सिचुएशन, से क्या हुई कि हमारी पूरी सिचुएशन सुधरने लगी। डिस्पाइट दिस एफर्ट्स हाउ एवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, इनसफिशियंट हॉस्पिटल बेड्स, नॉट इनफ डॉक्टर्स रिमेन एंड दीज नीड टू बी एड्रेस्ड। मतलब वही बताया गया कि इस सब के बाद भी, इतना एफर्ट करने के बाद भी वहाँ पे मेडिसिन की कमी थी, हॉस्पिटल में बेड की कमी थी, डॉक्टर इतने अच्छे नहीं थे। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ अनदर कंट्री एंड इट्स अप्रोच टू इशू ऑफ हेल्थ। अब हमें अलग कंट्री का एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ पर क्या किया गया था। द कॉस्ट रिकन अप्रोच, द कॉस्ट रिका इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका। एक कंट्री की बात हो रही है साउथ अमेरिका की, ये सबसे हेल्थीएस्ट मतलब अच्छी कंट्री है। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड इन कॉस्ट रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इसका रीजन ये है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशन उस तरीके से बनाया गया है। सेवर ईयर्स अगो कॉस्ट रिका टुक अ वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड डिसाइडेड नॉट टू हैव एन आर्मी। उन्होंने कुछ साल पहले ये डिसाइड किया था कि हमारे यहाँ आर्मी नहीं होगी। दिस हेल्प द कॉस्ट रिकन गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी दैट द आर्मी वुड हैव यूज्ड ऑन हेल्थ, एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल। मतलब उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आर्मी नहीं होगी उस कंट्री में, तो आर्मी नहीं होगी तो आर्मी का जो पैसा था उन्होंने वो एजुकेशन में लगाया, हेल्थ में लगाया और जो बाकी लोगों की जरूरत, जो जरूरतें थी उनको पूरा करने में लगाया। द कॉस्ट रिकन गवर्नमेंट बिलीव्स दैट द कंट्री हैज़ टू बी हेल्दी फॉर इट्स डेवलपमेंट एंड प्ले अ लॉट्स अटेंशन टू हेल्थ ऑफ इट्स पीपल। मतलब उन्होंने ये दिमाग लगाया कि लोगों की स्वास्थ्य सही रहेगी तो उससे हमारी कंट्री का डेवलपमेंट होगा। द कॉस्ट रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विसेज एंड एमिनिटीज टू ऑल द कॉस्ट रिकन्स। मतलब वहाँ के लोगों को जो बेसिक सर्विसेज थी, हॉस्पिटल्स हो गए, एजुकेशन हो गई, वो सब दी गई। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। मतलब अच्छे रहने की कंडीशन दी, घर दिया गया, प्रॉपर सैनिटेशन फैसिलिटी दी गई, न्यूट्रिशन दिया गया। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉलेज अबाउट हेल्थ इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। और ये मतलब लोगों को पता भी होना चाहिए, एजुकेशन भी होनी चाहिए थी, नॉलेज भी होनी चाहिए थी कैसे अपने आप को प्रॉपर रखना है, हेल्दी रखना है, तो वो सब दिया गया। एजुकेशन अच्छी दी गई, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, अच्छा घर रहने के लिए दिया गया। इसमें आपको यही बताया गया कि केरला में क्या क्या किया गया था और कॉस्ट रिका में क्या किया गया।
कॉस्टिका वालों ने जो आर्मी में पैसा लगता था वो आर्मी में ना लगा के उन्होंने हॉस्पिटल्स में, हेल्थ सेंटर्स में, घर में लोगों को अच्छा पानी देने के लिए किया, एजुकेशन देने के लिए किया, क्योंकि एजुकेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अपने आप को कैसे हेल्दी रखना है, सेफ रखना है। ये चैप्टर आपका हेल्थ से रिलेटेड था। थैंक यू।